200 300 अच्छा अम्मा भी इतनी शाड़ी है कि जो सामान 350 रुपए का आएगा उसके लिए 300 रुपए दे दिया। लेकिन अम्मा को ये नहीं पता कि बब्बन कितना शाड़ है। मैं भी उतना ही सामान लेके आऊंगा जितना 300 रुपए का आएगा। देखना बच्चों तू भी बब्बन कहाँ से आ रहे हो आप दोनों? ऊपर से। ऊपर क्या कर रहे थे? प्लान बना रहे थे। कौन सा प्लान नशी? अरे बब्बन भैया ये गली के कोने पर एक नई दुकान खुली, इतना मजे का बीफ पुलाव मिल रहा है वहाँ पर। तुझे कैसे पता चला कि वो मजे का है? मेरे बगैर खा के आ गए? अरे नहीं नहीं आपके बगैर नहीं खाया हमने यार। तो फिर पता कैसे चला के मजे का है? ओहो बब्बन प्यारे बता रहे हैं ना वो नया नया रेस्टोरेंट खुला है, इसको लगा कि मुफ्त में मिलेगा लेकिन कुछ नहीं मिला। हाँ ओपनिंग पे गए थे हम वहाँ पे। ज्यादा होशियार नहीं बदल मुशी जी, मुझसे सवाल अभी भी वही है कि पता कैसे चला के मजे का था। अरे भाई जो आ रहा था वो खुशी खुशी तारीफ करके जा रहा था, हमने खुद अपने दिमाग से अंदाजा लगा लिया कि अच्छा होगा। चलो ठीक है फिर प्लेन पे आ जाओ। प्लान ये है कि हम तीनों मिलके ना आज पुलाव खाएंगे। सुन जी अभी आपने कहा कि पुलाव मुफ्त में है तो हम कैसे खाएंगे? हम मुफ्त में क्यों खाएंगे, पैसे है ना तेरे पास बब्बर। नोशी अगर इन पैसों से पुलाव खा लिया ना तो पूरी जिंदगी की जिल्लत हमारा इंतजार करती रहेगी। अरे तुम ऐसी क्या खास बात है पैसों में? क्योंकि ये पैसे हमने दिए सौदे के लिए प्यारे। वो तो प्लान बी भी है। कौन सा प्लान बी नोशी? एक काम करते तू इन पैसों से पुलाव लिया और जो सौदा है ना वो उधार पे। हाँ नोशी वो उधार वापस कैसे करेंगे? अरे दे देंगे ना मिलजुल कर यार, क्या हो गया? प्यारे मिलजुल के ना हम एक दूसरे को बस बनियान दे सकते, उधार कहाँ से वापस देंगे अपन लोग। ओहो फिक्र मत कर दे देंगे, जा जाके पुलाव लेके। अगर नोशी ये कह रही है तो मैं उधार पे ले आता हूँ, बाकी फिर हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। चलो चलो जल्दी जाओ। ओके मोची जी अल्लाह हाफिज़। जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। बोटी कैसी रखो, ऐसी या ऐसी? ऐसी ठीक है। जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। शाबाश अभी मैं लेके आता हूँ। जाओ सीधे जाओ सीधे पुलाव चेक करना जो मैं लाऊंगा। जाओ जाओ। वाह नौशी जी आपने तो कमाल कर दिया, इनके हाथ में पैसे देखते कहाँ दिमाग चलाया आपने। ना नौशी का दिमाग ऐसा ही चलता है। फॉलो मी। हाँ फॉलो मी फॉलो मी। अच्छा अच्छा हेलो, ये देखो सारी दुनिया का आधा दिन निकल आया और ये मनहूस पड़ा सो रहा है। वजीर, ए वजीर जी फरमाइए। ओए अल्लाह इतने नर्म और मुलायम होने की कोशिश मत करो, उठो। अरे अभी हमारी नींद पूरी ना ही हुई। अरे तुम्हारी नींद कब पूरी होती है कमबख्त? अरे हम सोई सुबह होने के बाद हैं खैर। क्यों किसी ने गन पॉइंट पे तुम्हें जगाए रखा था? उठो। अरे नहीं खैरन हमका डर लग रहा था रात को, हमने 3 दफा आपसे पूछा कि लाइट जला लें मगर आपने मना कर दिया तो डर के मारे सोई नहीं। हाँ तो तुम अगर लाइट जलाते तो मैं सारी रात डरती रहती इस मनहूस शक्ल को देखते देखते। हाँ हाँ जैसे आपकी शादी तो परिस्तान के शहजादे से हुई है ना। अरे जब तुमसे शादी हुई थी ना उस वक्त फिर भी तुम थोड़े से माकूल थे मगर अब इस्तग़फिरुल्लाह। और हमने जो रात को ख्वाब देखा ना तो आपको असूलन कहना भी यही चाहिए अस्तग़फिरुल्लाह। क्या ख्वाब देखा? ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हमका भी यकीन नहीं आ रहा उस ख्वाब पर। हाँ भाई तुम्हें तो ख्वाब के ही तनख्वाह मिलती है ना। अरे अब जब नौकरी और तनख्वाह की बात छेड़ दी है तो हमें असूलन उठ जाना चाहिए। बिल्कुल उठ जाना चाहिए और जाओ जाके जल्दी से फटाफट नाश्ता बनाओ। अरे खैरन जब आप उठी हुई थी तो नाश्ता आप बना लेती हमारे लिए। अच्छा मैं नाश्ता बना लेती तो तुम उठ के बोर नहीं होते? खैरन अल्लाह की कसम आपसे ना लूमड़ी को भी क्लास लेनी चाहिए चालाकी की। ज्यादा बकवास ना करो, चलो उठो उठो जल्दी उठो और इस मनहूस मुंह पे पानी जाया करो और जाओ जाके नाश्ता बनाओ। उठो हमारा भी टाइम आएगा। तुम्हारा टाइम जाएगा, उठो जल्दी। आएगा आएगा। ये कौन सा देखो तो सही 11 बज रहे। तो अरे जाओ जल्दी छोड़ो। अबे यार ये अच्छा हो गया, ये पिलाव आ गया साथ में रायता भी मजे का था यार। वो अलग बात है कि मैं उसमें सुराग करके चूस गया सारा का सारा, बस अब बात बन जाए और नुशी मुझसे ये कौन आ गया भाई? बोल रहा हूँ भाई। हाँ भाई वालेकुम अस्सलाम जी। वो मुझे उनसे मिलना जो यहाँ रहती हैं। उनसे किनसे मिलने कह रहे थे? कौन हो पहले ये तो बताओ। मैं पप्पू। मैं पप्पू रखने से ना इंसान पप्पू नहीं हो जाता। मेरे भाई का नाम प्यारे एक नंबर का जलील लगता है शक्ल से वो। अरे मेरा नाम पप्पू है। तेरा नाम पप्पू? अबे भाई माँ बाप ने कुछ तो नाम रखा, वो कौन तुम ये बताओ बस। वो जो यहाँ रहती है मुझे उनसे मिलना, उनसे काम है मुझे। देख मेरे से ज्यादा कोई घटिया इधर उधर की बातें ना करना, मेरा दिमाग शार्ट हो गया, चप्पल उतार के अपने सर पे मार लूंगा मैं। कौन है तू? अरे बब्बन तुम वजीर के बेटे हो ना? हाँ मैं वजीर का बेटा। तो अरे तुम मुझे नहीं पहचाना यार, मैं पप्पू। नहीं पहचाना यार पप्पू, तू है कौन ये बता बस। यार बोल तो रहा हूँ पप्पू। देख
मैं एक जगह से शाबाशी लेके आया हूँ और दूसरी तरफ मुझे तकरीबन पता है कि मैं जलील होने वाला हूँ। सीधा सीधा पता कौन है ताकि मैं निपटाऊ तुझे। ओ भाई मैं यहाँ बहुत जरूरी काम से आया हूँ, वो जो यहाँ रहती है मैं उनका नाम भूल गया, मुझे मिलवा दो, काम है उनसे। अच्छा नाम भूल गया, फिर एक काम कर तू खड़ा होकर बल्कि तू घर चला जा, वहाँ अपनी नींद पूरी करना, सुबह उठ के चाय पीना, माँ की दुआएं लेना, अगर तुझे उसका नाम याद आ जाए आके मुझे बताना, मैं तुझे उससे मिलवा दूंगा, ठीक है? मैं बहुत दूर से आया हूँ भाई, दोबारा नहीं आ सकता, आप मुझे मिलवा दे आज ही। तो एक काम कर तू इधर खड़ा हो, मैं बाकी पागलों को भेजता हूँ, वो तुझे निपटते, तेरे मुँह से आवाज नहीं आएगा और पप्पू नहीं बोलना, ठीक है? सही है, लेकिन जल्दी भेज देना, मैं खड़े खड़े पागल हो जाऊंगा। नहीं तो तू है कौन? पप्पू। फिर बोला पप्पू, अभी तुझे क्या मुँह से पप्पू नहीं निकाल, फिर पप्पू। अच्छा ठीक है, आप जाए जल्दी, भेज जाता हूँ। कौन है तू? हाँ सीख गया, शाबाश भाई, इधर ही खड़े रहियो, आ रहा हूँ मैं अभी दूसरे पागलों को भेज के। भूख लग रही है हमको, हमको भूख लग रही है। चंद्रमुखी ना तुम मिलती हो ना पारो मिलती है, ऊपर से बाबू जी ने अलग गन डाली है। बस कर शाहरुख खान तरीका। ए बात सुनो, कोई काम बना के नहीं? प्यारे बब्बन जाता काम हो गया, पुलाव मिल गया। ओहो, और सौदा अनुषी जी वो तो नहीं मिला। लो तो पैसे लेके जाए, पुलाव लेके आ जाए, तो हम भी कर सकते हैं, तो खुद जाके कर लेगा ना। ओहो पहले गरम गरम पुलाव खा लेते हैं, बाद में बात करेंगे। लेकिन अनुषी जी मैं चाहता हूँ मेरी और अम्मा की जंग में आप मेरा साथ दें। अनुषी जी बब्बन ये तेरे अकेले की लड़ाई है, तू अकेला जाके लड़। अनुषी जी क्या ये खुला तजाद नहीं है? खुला तेजाब है मेरे पास, वो फेंकू तेरे में क्या? इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो खुद जाके लड़ने जंग में। नहीं अनुषी जी हम आपके साय में ठीक है। हाँ वैसे भी भाभी जो है मात समाज होती है। ए बात सुनो, ऐसा ना हो कि तुम पुलाव लेके आओ तुम्हें नसीब ना हो। क्यों तू रोकेगा मुझे? मैं तेरा मुंह काट के तेरे मुंह में डाल दूंगा। ए रोकेंगे रोकेंगे नहीं, अम्मा को बुला लेंगे। अम्मा चुप कर जाओ, जाके प्लेटें लेकर आओ। ला रहे हैं, बचा लिया तुम्हें भाभी जी ने तुम्हारी। निकल। अरे अल्लाह मियाँ, अरे आप तो बहुत बड़े हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह मियाँ हमका मलिक रियाज के घर पैदा कर दिया होता तो आज हम भी अमीर होते, ये बड़े बड़े बंगले होते और बड़ी बड़ी गाड़ी। नहीं मगर नहीं, अरे उसके घर पैदा हो जाते तो वो मलिक रियाज गरीब हो जाता, हम हैं ही मनहूस। अरे ये कौन खड़ा है हमारे घर में? कौन है भाई? मैं पप्पू। लग तो नहीं रहे, यहाँ क्यों खड़े हो? अरे चचा यहाँ कोई कुर्सी नजर आ रही है, जो यहाँ कुर्सी पे बैठूंगा मैं। अरे चचा कहा ना, आंखें निकाल दूंगा। कॉमेडी कर रहे हो का? और वो भी 2 रुपए वाली, क्यों खड़े हो और क्या काम है? वो मुझे ना उनसे मिलना है जो यहाँ रहती हैं। रहती हैं मतलब किसी फीमेल से मिलना है? हाँ। अरे देखो भाई पप्पू, यहाँ 2 औरतें रहती हैं और 2 किस्मों की हैं, किससे मिलना है जरा नाम तो बताओ। पप्पू पप्पू के बच्चे त्योहार नाम नहीं पूछ रहे, जिससे मिलना है उसका क्या नाम है? नाम तो मैं भूल गया। अरे तो फिर काम बताओ, शायद उसी से अंदाजा लगा ले हम कि किससे मिलना है तुमका। लेकिन काम तो सिर्फ मैं उन्हीं को बताऊंगा। ओहो अच्छा, जिससे मिलना है कहीं वो हमारी बीवी तो नहीं? अरे उनकी तो शादी भी नहीं हुई अभी। मतलब तुमने नौशी से मिलना है? हाँ हाँ नौशी, नौशी जी के पास भेजा मुझे मैडी मैडम ने। मैडी? अरे तुमका मैडी ने भेजा? जी बहुत जरूरी पैगाम दे के भेजा है, मिलवा दे मुझे उनसे। मैडी मैडम ने पैगाम? अल्लाह मियां शादी का पैगाम होगा, जरा जल्दी से बोलो। चचा बोलना नहीं है, पढ़वाना है, खत है। खत है तो दो ना। खत सिर्फ नौशी मैडम के नाम है, चले मुझे मिलवा दे उनसे। हाँ नौशी ना तो चलो अंदर चलो मिलवाते हैं। चले आ जाओ बब्बू, आ जाओ आगे, नहीं हमारे साथ साथ चलो आ जाओ। अरे इसका स्प्रिंग टूटा हुआ है, बस लगाना भूल गए, घर में बड़े काम होते हैं ना। अच्छा तो ये घर है? नहीं ये स्विमिंग पूल है, चड्डा तो लाए होगे तुम साथ। अरे ये घर है का मतलब? मेरा मतलब है ये घर मैडी मैडम का है ना। हाँ हमारी मैडी का है। वो सब्जी ना मैंने कहा। ए वजीर ये कौन है? अरे बैठिए तो सही। अरे बैठूंगी, बताओ कौन है ये? ये पप्पू है। पप्पू है? हाँ। कौन पप्पू? पप्पू पप्पू। तो इसे यहाँ कौन लेके आया? ये कौन है? मैं इस घर की मालकन हूँ। मालकन? लेकिन ये घर तो मैडी मैडम का है ना? है? ये मैडी को कैसे जानता है? अरे मैडी ही ने भेजा है इसीलिए। अच्छा हमें क्या घर से निकलवाने के? अरे नहीं मैडी ने कोई पैगाम भेजा है नौशी के नाम, वो देने आया है। अच्छा तो एक काम करो तुम मुझे बता दो, मैं उसे बता दूंगा। हाँ। जी नहीं मुझे ये पैगाम सिर्फ नौशी को देने का कहा गया है। अच्छा तो फिर जाओ ऊपर जाके उसको बताओ। ऊपर किधर?
ऊपर किधर? जहाँ वो रहती है ऊपर कमरे में, उधर जाओ मरो। चलो हाँ आओ, मत जाओ, थोड़ी टांगे दबा दे, खारन थक गया, खराब है। चलो उठो उठो, दोपहर का खाना बना, चलो खाने में, चलो चलो चलो। खारन बैग इसमें चॉकलेट भेजे होंगे मैडी ने हमारे लिए। चलो चलो, टिंडे वहाँ पड़े हुए, पका ले जाओ टिंडे, छीलो जाओ कमबख्त। भाई बहुत खा लिया हमने, हमारा तो पेट भर गया यार। ओहो जल्दी खा ले भाई। वाह बब्बन भैया वाह, मुझे नीचे खड़ा करके आप यहाँ बिरयानी खा रहे हैं। तो तुझे ऊपर खड़ा करके बिरयानी खाता क्या? भैया का एक पॉइंट हो गया। बस ये बावला कौन है? अबे यार याद आया, इसको तो मैं नीचे खड़ा करके आया, तू ऊपर क्या कर रहा है? ओहो लेकिन ये है क्यों और ये इधर आया कैसे? नुशी जी ये जमा की दही पप्पू है, आज पप्पू 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 करता रहता है और ये किसी से मिलने आया जिसका इसको याद नहीं। लेकिन अब मुझे सब याद आ गया, मैं नौशी जी से मिलने आया हूँ। हाँ तो मुझसे क्यों मिलने आया? वो मैडी मैडम ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। अरे मैडी हमारे लिए पैसे भेजे होंगे। ए भिखारी चुप कर, हाँ बोलो। नौशी जी अब बहुत अच्छी लग रही है वैसे। हाँ ठीक है, जो करने आए ना वो करो, कड़ी आज ज्यादा बातें नहीं कर। हाँ बता क्या पैगाम है? बता तो नहीं सकता, वो तो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? खत। अबे यार ये मैडी जब से आई ना बहुत ही लोकल हो गए, पागल एसएमएस कर देती हमको। अरे यार उसके छोड़, नीचे जी मैं तो कहता हूँ खत सुनते हैं अंग्रेजी में होगा। हाँ हाँ ठीक है शाबाश पढ़ते हैं। चलो। लेकिन कैसे पढ़ सकता हूँ, खत तो मेरे पास है ही नहीं। अबे खत है नहीं तो फिर पढ़ाएगा क्या? वो तो मेरे बैग में है ना। ओहो बैग बबन इसके बैग से निकाल। लेकिन इसके पास तो बैग ही नहीं। बैग नहीं है तो फिर खत किधर रखा है तूने? बैग तो शायद मैं कहीं रख के भूल गया हूँ। वाह अब इसका बैग ढूंढना पड़ेगा। अरे आप सबर करें, दो झापड़ मारेंगे खुद बता देगा बैग कहाँ है। अरे मुझे याद आ गया, मैं नीचे शायद सोफे पे भूल गया हूँ। शाबाश चल ढूंढ के ला लेकर। अरे एक काम करते ना, नीचे चलते अभी खाना खाए, थोड़ा हजम हो जाएगा। मुझे भी भूख लग रही है। अबे चल बे, भूख लग रही है। आप लोग चलो, मैं इधर आ रहा हूँ। जल्दी निपटा उसको, मैं आ रहा हूँ, घंटे से लड़ रहा उससे। मैं आ रहा हूँ, जल्दी आओ तुम। चलो आ रहा हूँ मैं। चल भाई चल। कहाँ चला गया? ओ पागल ये तो रहा सोफा, बैठ जा। अरे मैं अपना बैग ढूंढ रहा हूँ, सोफा कौन ढूंढ रहा है? तू बैग लाया भी था? हाँ जब मैं आया था तो पप्पन ने भी देखा था मेरा बैग। मुझे पप्पन की बात पे भरोसा नहीं। क्या शोर मचाया भाई, नींद से उठा दिया मुझे। कह रहे ये पप्पू है तो मैं कब कह रही हूँ टप्पू है। ओहो इसका बैग कहाँ है? बैग मुझे क्या पता बैग कहाँ है। मैं जब आया था तो मैंने यहाँ रखा था ना आपके सामने। अरे भाई मुझे क्या मालूम, मैं तो अंदर थी। मेरा बैग चोरी हो गया। ओहो उस बैग में कुछ कीमती था क्या? हाँ मैडी मैडम का खत था उसमें। ओहो बावले तो फिर परेशान होने वाली कौन सी बात है, मैं मैडी से फोन पे पूछ लूंगी जो बात है। आपको वो खत पढ़ना बहुत जरूरी था। बाहर तो नहीं छोड़ दिया कहीं? शायद हो सकता है छोड़ दिया। पागल तो दिमाग क्यों खराब करा, चल चल के देख। चल चल निकल, दिमाग खराब कर दिया हमारा। जा सारे बावले हमारे ही घर में आके ढूंढूं बैग, वैसे था यही, मैंने भी उठाया था। लाल रंग, पीला रंग, अरे वाह शर्ट किसी और रंग की और पता नहीं टोपियां किसी और रंग की। वाह भाई वजीर अहमद तुम अकेले ना ही हो इस दुनिया में, मगर चॉकलेट कहाँ है? ओ हो ये देखो बुड्ढा मेरे बैग से चोरी कर रहा है। बुड्ढा कहा ना, दो हिस्सों में कर दूंगा मैं। और ये मैं चोरी नहीं कर रहा था, इसमें है का तो हार मैले कपड़े। ओहो क्या कर रहा था तू ये? अरे हम तलाशी कर रहे थे कि कहीं बम पिस्तौल तो नहीं है। तुझे बम बारूद वाला लगता है? तो ये दम दरूद वाला भी नहीं है। ओ भाई पप्पू खत ढूंढ। खत नहीं है इसमें। हैं तुमने तलाशी ली है? अरे हमने इसकी सही छीन बान बीन की है, इसमें कुछ नहीं है। ए पप्पू खत कहाँ है? अरे नौशी जी इसी में होगा, मैं देखता हूँ मिल जाएगा। अरे मिल जाएगा का? जादू से मिल जाएगा बंगाली बाबा? अरे हम बता रहे नौशी जी ये किसी और चक्कर में आया पप्पू। ए पप्पू सच बता ना तो बबन प्यारे के हवाले कर दूंगी। अरे बबन प्यारे की क्या जरूरत है, हम अपने फौलादी हाथों से इसे ऐसे पिचकाएंगे कि कागज बन जाएगा। ठंडा हो जा। अरे चाचा मैं देखता हूँ जेब में, इसी जेब में होगा मिल जाएगा। चाचा कहा ना कोनी से माथा तोड़ दूंगा तुम्हार। अरे जल्दी ढूंढ। ये रहा। ओहो मुबारक हो तुम पर। ऐसे नहीं, पहले सबको जमा करें, सबके सामने आपको पढ़ना है ये खत। ए पागल जब मैडी ने मेरे लिए भेजा सबको जमा करने की क्या जरूरत है? मैडी मैडम ने ही कहा है कि सबको जमा करके उसके बाद नौशी के हाथ में खत दे देना। ए पप्पू यार तंग ना कर। अरे वैसे मैडी इतनी मुश्किल थी तो नहीं, हमने तो ऐसी ना ही भेजी थी इस्लामाबाद। चले अंदर जल्दी आ जाए, खत भी पढ़ के सुनाना नौशी को जल्दी आए। ए वजीर मसला ये है कि मैडी ने तो बड़ा मुश्किल अंग्रेजी में लिखा होगा ना, मैं कहाँ से पढ़ूंगी? अगर स्कूल गई होती तो फिर पढ़ लेती। अरे हम है ना बड़ा है, हम है मर अंदर। चुप करो। अरे भाई ऐसा भी कहाँ लिख दिया मैडी ने कि हमने नींद से उठा दिया आप लोगों ने? मेरी तो अगर नींद पूरी ना हो ना तो मेरे तो सर में हेडेक होता है यार। ओ, बड़े कोई अमीरों की औलादे हैं ना ये, नींद से उठा दिया। ए पप्पू चलो खत पढ़ो।
ये खत मैं नहीं नौशी जी पढ़ेंगी। ओ होश में कौन सी बड़ी बात हो गई, पढ़ देना तू, टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं नौशी जी आप ही पढ़ेंगी, आप ही पढ़ेंगी। तेरे समझा कर, मैडम ने लिखा है अंग्रेजी में होगा, वो भी मुश्किल वाली। भाई नौशी पढ़ तो देगी लेकिन हमें समझ कैसे आएगा यार। ये लो नौशी जी। पिया वजीर तू कैसा, तू खत पढ़ेगा, लिपट। अरे हमारी करीब की नजर जरा कमजोर है इसलिए सॉरी। प्यारे तू पढ़ दे। नहीं नौशी जी हमारी तरफ से भी सॉरी, हमें खत सुनने में मजा आता है, ये लीजिए। ये खत तो उर्दू में। उर्दू में? उर्दू में कैसे लिख दिया, मैडी को तो उर्दू लिखना नहीं आती थी। अरे देखा हम बता रहे हैं, ये पप्पू किसी और चक्कर में आया। अरे ये खत मैडम ने नहीं लिखा है। देखा सही कह रहे हैं अब्बा, ये तो बिल्कुल चीटर आदमी है। अरे मेरा मतलब है उन्होंने मुझसे लिखवाया ये खत। तो सीधा सीधा हमें वैसे ही बता दे तो खत में लिख के क्यों लाए। चल नौशी पढ़, उर्दू पढ़ना तो आता है ना, या मैं पढूं? अच्छा मैं पढ़ती हूँ। प्यारी नौशी मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? शोर मत कर, उसका आवाज नहीं जा रही। तुम लोगों से कुछ जरूरी बात कहनी थी। कहो कहो। तुम लोगों के साथ रहकर मुझे बहुत मजा आया। हमका भी बहुत आया। और ये भी पता चला कि तुम लोग पैसों और घर की वजह से परेशान रहते हो। रियली? पैसे तो मैं तुम लोगों को दे नहीं सकती, मगर मगर ये अपना घर मैंने तुम लोगों को देने का फैसला कर लिया। क्या कह रहे हैं, सही से पढ़िए, सही से पढ़िए। हाँ हाँ सही से पढ़ी, यही लिखा है। तो मैं ये घर वजीर के नाम पर कर रही हूँ, आज से इस घर के मालिक वजीर अंकल है। अल्लाह, वो देखो वजीर जड़ से उखड़ना शुरू हो गया। बाबा होश करे यार, आगे पढ़िए आगे पढ़िए। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये घर तो मेरे नाम पे होना चाहिए था। नहीं जी नौशी, ये घर मेरे नाम पे होना चाहिए क्योंकि वो मुझसे ज्यादा प्यार करती है। अबे रहने तो, सारी बात हमारे ख्वाब में आती है, हमारा नाम क्या होगा उसने? अरे चुप करो सब के सब। अरे खैर हम बता रहे थे कि कल रात हमने ख्वाब में देखा कि ये घर हमारे नाम हो गया, और देखो आज हकीकत में हमारे नाम हो गया। साईं बाबा हमें भी दुआ दे दो साईं बाबा। खैर वजीर सेठ हर एक बात पे कहती। ए, ये बताओ कि ऐसा भी कहा लिख दिया जरूरी मैडम। मैडम मैडी ने अगर हर लाइन से पहले थप्पड़ है ये। ए पप्पू खत का है? इसी में ही, मैं देखता हूँ सही से मिल जाएगा। अरे ऐसा कैसे मिल जाएगा, जादू होगा कि मिल जाएगा बंगाली भाग। दोबारा टपक टपक, इनकी बैटरी लो हो रही है। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। ये स्प्रिंग टूटा हुआ है, मालकों ने लगाया ही नहीं। अच्छा, तो ये घर है मैडी मैडम का? मैडी मैडम का नहीं, तो ये घर है। ओ सॉरी। नौशी जी क्या ये खुला तजाद नहीं है? मेरे पास खुला तजाद है वो बेबू। चलो